Hello students, today we discuss the fifth chapter of Honeydew class 8, The Summit Within. इस चैप्टर में बेटा हम आलूवालिया HPS आलूवालिया जो है उनकी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में उन्हीं के थ्रू जो है वो सुनेंगे, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया. और लालूवालिया जो हैं वो पहले इंडियन थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, और एक एक्सपीडिशन जो गया था माउंट एवरेस्ट की तरफ और जो सक्सेसफुल रहा, मींस लोग माउंट एवरेस्ट की उस हाइट को कवर कर पाए. और माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड में जो है सबसे हाईएस्ट पीक है, तो क्या वो एक्सपीरियंस करते हैं वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. और सबमिट विद इन मीन्स सबमिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट की चढ़ाई, और सबमिट विद इन. विद इन मीन्स अपने अंदर, जो हमारे अंदर हमारे गोल को अचीव करने के लिए जो हमारे अंदर एक चोटी होती है, जिसको एक पीक होती है जो हमें अचीव करना होता है, तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या माउंट एवरेस्ट का सबमिट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. तो आलूवालिया बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एक इंसान के अंदर जो उसके माइंड में सबमिट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है. मेजर HPS आलूवालिया वॉज अ मेम्बर ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल इंडियन एक्सपीडिशन टू माउंट एवरेस्ट इन 1965. 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो पहला एक्सपीडिशन, जो अभियान गया था पहले कुछ लोगों का, उनमें आलूवालिया भी एक मेंबर थे और वो पहला सक्सेसफुल एक्सपीडिशन रहा 1965 के अंदर. हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, वो क्या फील कर रहे हैं, लेट अस हियर हिज स्टोरी इन हिज वर्ड्स. क्लाइंबिंग द सबमिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द सबमिट विद इन द सेम थिंग, क्योंकि क्लाइंबिंग द सबमिट एक चोटी पर चढ़ना वो ईजी है, लेकिन जो हमारे अंदर का जो सबमिट है उस अचीव करना, उसे उस गोल को अचीव करना वो काफ़ी डिफिकल्ट है. ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज थ्रू मी एज आई स्टूड ऑन द सबमिट ऑफ एवरेस्ट, कि जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था मेरे अंदर जो है सारे सभी भावनाएं जो हैं सभी इमोशंस वो पूरी तरह से उमड़ रहे थे. लेकिन लुकिंग ओवर माय माइल्स ऑफ पैनोरमा बिलो अस, जो पैनोरमा नीचे का जो एक व्यू ऑफ अ वाइड एरिया, जो नीचे का जो दृश्य था इतनी ऊंचाई से चढ़ने के बाद जो दिखाई दे रहा था, द डोमिनेंट वन, जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे बढ़कर जो ज़्यादा जो इमोशन बाहर आ रहा था, वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी. जो एक ह्यूमिलिटी मीन्स ह्यूमिलिटी अपने अंदर जो एक हम कहेंगे ह्यूमिलिटी मीन्स दीनता, एक कि आज मैंने वो हासिल कर लिया है, वो अचीव कर लिया है, वो अंदर से एक खुशी वो फील कर रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा है. ह्यूमिलिटी मीन्स बहुत दीनता वाली फीलिंग आ रही है कि मैं कितना छोटा हूँ, यहाँ इतनी ऊंचाई पर वो चढ़ चुका है, तो उसके अपने छोटे होने का एहसास होता है कि इस लाइफ में एक चोटी पर जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पर चढ़ने के बाद जो एक पैनोरमा जो एक व्यू लेता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि देखने लायक वो कितनी बड़ी बड़ी कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं और मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ. द फिज़िकल इन मी सीम टू सी थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, और जो मेरी फिज़िकल एंड्योरेंस, मेरी जो फिज़िकल स्ट्रेंथ मुझसे कह रही हो शायद कि भगवान का लाख लाख शुक्र है ये अब ख़त्म हो, मीन्स जो इतनी परेशानी के बाद वो आखिरकार वहाँ चढ़ा है और बॉडी इतना ज़्यादा पेन में है कि अब उसको अचीव करने के बाद वो गॉड को थैंकफुल है मेरी पूरी बॉडी. हाउ एवर इंस्टेड ऑफ बींग जुबिलेंट
there was a tinge of sadness. Jubilant means happiness, very happy because of success. वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए वहाँ आया था और वो अचीव उसने कर लिया, और उसके बाद जो खुशी है वो फील कर रहा है, लेकिन उस खुशी के साथ साथ देर वॉज अ टिंज, टिंज मीन्स शेड, हल्का सा, थोड़ी सी ऑफ अ सिंगल लाइन ऑफ सैडनेस ही कुड फील देयर, उसको हल्का सा दुख भी हो रहा है वहाँ पे. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, कि चढ़ने में जो कुछ था मीन्स अब इसके बाद, क्योंकि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके बाद उसकी लाइफ में और क्या गोल रहेगा, क्योंकि अब तो जितनी भी क्लाइंब हैं वो सभी इससे छोटी हैं, सारी माउंटेन की जो पीक्स हैं वो छोटी हैं इससे, तो उसके लिए कोई एडवेंचरस ज़्यादा कुछ खास नहीं रहेगा क्योंकि उसने सब अचीव कर लिया है. वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, शायद क्या वो इसलिए था कि मैंने जो है वो हाईएस्ट पीक, वो उस चोटी के ऊपर जो है मैं चढ़ चुका हूँ, सबमिट ऑफ एवरेस्ट वो, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लेट डाउन, और इसके बाद जो है सारे रास्ते नीचे की ओर जाएंगे, मीन्स इसके बाद इससे ऊंची चोटी कोई भी नहीं है. By climbing the summit of Everest, you are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. Means जब Everest की चोटी पर चढ़ जाते हैं तो हमारे आपके अंदर जो है ना एक अंदर से खुशी आती है, एक आभार, एक thankfulness आती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमने वो अचीव कर लिया है. It is a joy which lasts a lifetime. और जब भी हम उस चीज़ को याद करते हैं वो स्माइल, वो खुशी हमारे हम फील कर सकते हैं, मीन्स वो हैप्पीनेस लाइफ टाइम हमारे साथ रहती है. द एक्सपीरियंस चेंज यू कम्प्लीटली, और वो एक्सपीरियंस है आपको पूरी तरह से बदल देता है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, और जो इंसान जो माउंटेन्स को देख चुका है वो पहले के जैसा नहीं रहता है, वो पूरी तरह से बदल जाता है. As I look back at life after climbing Everest, I can't help remarking about the other summit, the summit of the mind. और यहाँ वो कह रहा है कि जब भी मैं एवरेस्ट चढ़ने के बाद में पीछे अपनी लाइफ के तरफ देखता हूँ तो एक और शिखर जो जो माइंड के अंदर होती है हमारी, द समिट ऑफ द माइंड, उसके बारे में वो डिस्कस किए बिना नहीं रह सकता है. जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब वो इस समिट से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो भी उसको भी अचीव करना जो हमारे माइंड के अंदर सबमिट है उसको अचीव करना भी कोई आसान काम नहीं है. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो लेस ईजियर टू क्लाइंब, वो ना तो इतना ज़्यादा ईजी है, कम कठिन नहीं है. लेस फॉर्मिडेबल मीन्स कम कठिन नहीं है, वो भी चढ़ना कम आसान नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. इवन वेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड डन, आई बीन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चन व्हाई आई हैड क्लाइंब एवरेस्ट. जब आलूवालिया आगे जो है इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि चोटी पर से जब नीचे उतरते समय भी जब वो एक बार शारीरिक थकान जब दूर हो गई थी तो वो अपने आप में ही बहुत खुश हैं और एक्साइटेड हैं. जब वो एग्जॉशन, वो थकावट जो फिजिकली बॉडी की, जब वो थकान पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो वो अपने आप से ही क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हैं, व्हाई आई हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट, मैं क्यों चढ़ा इस एवरेस्ट पे, व्हाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट हैव सच अ होल्ड ऑन माय इमेजिनेशन, कि ये जो काम है इस एक्शन ने मेरे पूरे माइंड को, मेरी पूरी कल्पनाओं को यूं जकड़ लिया है, मैं पूरा इमेजिन कर रहा हूँ और
इफ वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, क्योंकि ये अभी पास्ट की बात हो चुकी है कि मैं एक चोटी पर चढ़ा था, समथिंग डन yesterday. और जैसे कि कल जो गुजर गया है उसकी बात हो, और विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट. मीन्स ये जितना जितना पीछे जाता जाएगा, मीन्स मैं लाइफ के अंदर आने वाले समय में जब भी इसको याद करूँगा तो ये बहुत पीछे एक पास्ट का एक याद बन के जो है वो मेरे माइंड में रह जाएगी और बहुत दूर मेरे से हो जाएगी. विद एवरी पासिंग डे इट वुड बिकम मोर रिमोट एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और फिर क्या रह जाएगा. वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या समय के साथ साथ ये मेरी यादें धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, क्या मैं इसको भूल जाऊँगा आने वाले टाइम में कि मैं कभी माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ा था. All these thoughts led me to question myself as to why people climb mountains. आलू वालिया जब नीचे उतर रहा था एवरेस्ट से तो बहुत सारे क्वेश्चन से घिरा हुआ था. वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहा है कि मैं क्यों चढ़ा इस पे, क्या आने वाले टाइम में ये मुझे याद भी रहेगा या नहीं रहेगा, मैंने जो आज हासिल किया है ये आने वाले टाइम में एक पास्ट बन के रह जाएगा. इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड. इस क्वेश्चन का आंसर देना माउंटेन पर क्यों चढ़े ये इजी नहीं है, लेकिन जो आंसर है वो जैसे कि बाकी कहते हैं कि आप एवरेस्ट पर क्यों चढ़े, तो एक इजी सा आंसर बाकी लोग देते हैं. जनरली वो क्या कहते हैं, बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये यहाँ पर है इसलिए मैं चढ़ा. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, और ये चीज़ जो है एक बहुत डिफ़िकल्टी उसके सामने लेकर आ रही है कि क्यों चढ़ाओ. इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, और ये बहुत ज़्यादा रोमांचक था, बहुत मुसीबतों से घिरा हुआ था. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और लोगों को मज़ा आता है ऑब्स्टेकल्स को, रुकावटों को पार करने में. द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, मीन्स उन ऑब्स्टिकल्स को पार करने में इसकी पूरी बॉडी का जो है जो एक शारीरिक व्यायाम हुआ है, मीन्स उसने शारीरिक बाधाओं को पार किया है. एंड क्लाइंब टू सबमिट मीन्स एंड्योरेंस परसिस्टेंस एंड विल पावर, और एक किसी भी चोटी पर चढ़ना जो है वो सहन शक्ति को शो करता है. एंड्योरेंस होता है सहन शक्ति, कि हम कितना सहन करते हैं, कितना पेन सहन कर सकते हैं. परसिस्टेंस मीन्स दृढ़ता, कि हम कितने दृढ़ निश्चयी हैं. और हमारी जो विल पावर है, हमारी इच्छा शक्ति है, इन सब से, इन सब के होने की वजह से ही हम एक समिट कर सकते हैं, चोटी पर क्लाइंब कर सकते हैं. क्लाइंब टू अ समिट तभी हो सकता है जब ये चीज़ें हमारे साथ हों. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सेलरेटिंग. एक्सेलरेटिंग मीन्स खुशी देने वाली, मीन्स इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन जो है वो, यहाँ कोई डाउट नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर देता है, अत्यंत खुशी देने वाला है, बहुत रोमांचक है. इट एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, और मुझे भी बड़ा मज़ा आया जो है माउंटेन पर चढ़कर. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, लेकिन अगर मेरी बात करें, मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई Do you climb to Mount Everest? तो मेरा जो आंसर है वो कुछ अलग होगा. मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि मैं माउंट एवरेस्ट इसलिए चढ़ा क्योंकि ये चोटी यहाँ है तो इस पर चढ़ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्स्टेकल्स थे उनको क्रॉस करने में मुझे मज़ा आया. यहाँ कुछ और आंसर वो दे रहा है. फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, कि मैं बचपन से ही माउंटेन्स की तरफ जो है मैं अट्रैक्ट होता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था माउंटेन्स को देखना. I had been miserable
lost when away from mountains. जब भी मैं माउंटेन से कहीं दूर हो जाता था, मुझे माउंटेन्स नहीं दिखाई देते थे, तो मेरी सिचुएशन जो है वो बहुत मिजरेबल हो जाती थी, बहुत दुखी हो जाता था मैं और खोया खोया सा रहने लग जाता था. तो मैं माउंटेन्स के बिना रह ही नहीं सकता था, इसीलिए जो है मैंने माउंटेन एक क्लाइंबर का काम जो है वो किया. मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग सीखी और इसी के अंदर जो है मैं माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है उसको मैंने अचीव किया. इन द प्लेन्स में जब मैं प्लेन्स में होता था तो मैं माउंटेन्स को मिस करता था, मैदानी इलाके में जब भी होता था. माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट. जो माउंटेन्स हैं वो प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ रूप है, दी बेस्ट है वो, और वो सबको अच्छे लगते हैं. देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी, उनकी जो ब्यूटी है, जो मैजेस्टी है, जो भव्यता है कि कितने सुंदर हैं, उनके जो पोजीशंस होती हैं वो बहुत अट्रैक्ट करने वाली होती हैं. पोज अ ग्रेट चैलेंज, पोज करना, पेश करना, सामने लाती हैं, ग्रेट चैलेंज लेकर आती हैं. एंड लाइक मैनी I believe that mountains are a means of communication with God. और मैं ये मानता था कि भगवान के साथ अगर कम्युनिकेट करना है, क्योंकि भगवान ऊपर है, तो थोड़ा हमें अपने आप को ऊपर उठाना होगा. तो वो सोचता था कि ऊंचाई पर माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स पर चढ़कर ही भगवान के साथ कम्युनिकेट किया जा सकता है, उनसे बात की जा सकती है, इसीलिए मैं माउंटेन पर चढ़ा. Once having granted this, The question remains, why Everest? अगर इस बात को अगर ग्रांट कर भी लिया जाए कि अच्छा चलो ठीक है, तो एक और क्वेश्चन बनता है कि एवरेस्ट ही क्यों, why Everest? Because it is the highest, the mightiest and has defined many previous attempts. क्योंकि जो माउंट एवरेस्ट है ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है. माइटीएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, और हैज़ डिफाइंड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और उसने जो है बहुत सारे पुराने जो प्रयास वगैरह जितनी भी उसने कोशिश की थी वो सभी उसकी विफल हुई थी. वहाँ डिफाइंस मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स कि उसने इस से पहले भी कई बार चढ़ने की कोशिश की है और फाइनली जो है वो एवरेस्ट पर चढ़ गया है. इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी. ये एक इंसान की जो लास्ट की आउंस, आउंस मीन्स बिल्कुल लास्ट जो एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर, उस लास्ट आउंस को भी वो खींच लेती है, निचोड़ लेती है. मीन्स अता है बहुत डिफिकल्ट है चोटी पर चढ़ना. इट इज़ अ ब्रिटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस. रीज़न है बहुत ठंड होती है, आइस है, और ठंड के साथ साथ ऊंचाई पर चढ़ना, जो हमारी ब्रीथ जो है वो भी बढ़ जाती है, वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती है. जितना जितना ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह साथ लेकर चढ़ना होता है, वेट के साथ ऊपर चढ़ना, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये. और जो यहाँ पर कहा है ये ब्रिटल है, ब्रिटल मीन्स बहुत कड़ा, क्रूर, एक संघर्ष है. वंस टेकन अप इट कांट बी गिवन अप हाफ वे. अगर कोई एक बार शुरू कर लेता है, कोई चढ़ने लग गया है, तो वो बीच रास्ते में उसको छोड़कर वापस कभी नहीं आ सकता है. इवन वेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, भले ही किसी की जो लाइफ है वो दाव पर लगी हो, क्यों ना हो, एट स्टेक खतरे में क्यों ना हो, डेंजर में हो, मीन्स वो मर भी सकता है, लेकिन वो आधे रास्ते वापस नहीं आ सकता. द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. जितना डिफ़िकल्ट आगे बढ़ना है उतना ही डिफ़िकल्ट पीछे बढ़ना भी होता है, वापस उतरना भी उतना ही डिफ़िकल्ट है. तो इसीलिए जो है वहाँ क्या डिसीज़न दिया जाता है कि आगे ही बढ़ा जाए. एंड देन व्हेन द समिट इज़ क्लाइम्ड
there is the exhilaration, the joy of having done something, the sense of a battle fought and won. और एक बार वो सबमिट हासिल करने के बाद, उस ऊंचाई पे चढ़ने के बाद, हम पूरी तरह से जो हैं खुश हो जाते हैं और हमारे अंदर जो है एक जोश बन जाता है, एक्सेलरेट हो जाते हैं हम, जॉय ऑफ हैविंग डन, एक जो कम्प्लीशन की खुशी हमारे अंदर होती है और हमारे अंदर एक ऐसी फीलिंग आती है कि हमने एक जो है युद्ध लड़ा, बैटल लड़ा है और हम उसको जीत भी गए. There is a feeling of victory and happiness. वो जीत की वो खुशी, एक फीलिंग हमारे अंदर होती है. Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. Glimpses होती है झलक, means जो एक चोटी, जो दूर एक चोटी है उसकी एक झलक देखते ही वो किसी दूसरी दुनिया के अंदर. आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड मीन्स जब मैं वहाँ उस एवरेस्ट की पीक पर खड़ा था और वहाँ की दूसरी दूर दूर की जो चोटियाँ हैं उनकी पीक जब मुझे दिखाई दी उन, तो मैं एक दूसरी ही दुनिया में पहुँच गया. मीन्स मैं पूरी तरह से मेस्मराइज हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया था. इतना सुंदर दृश्य जो है मैंने वहाँ से देखा, माउंट एवरेस्ट की पीक से. I experience a change within myself. मैंने अपने अंदर ही एक अलग तरह का एक change पाया, which can only be called mystical. जो एक आध्यात्मिक सा लग रहा था, उसको सब कुछ एक बहुत अच्छा feel हो रहा था. And by its beauty, aloofness, might, rigidness and the difficulties encountered on the way. यहाँ पर ब्यूटी, उसकी सुंदरता, उसकी एलूफनेस, जो वहाँ का एकाकीपन था, मीन्स शांति ही शांति थी वहाँ पर पूरी तरह से, वहाँ की माइट जो शक्ति थी, रिजिडनेस और जो विषमताएं हैं वहाँ की जो उनको अलग बनाती हैं सबसे, और वहाँ की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनको वो एनकाउंटर करता हुआ, जिनको वो जो उसको एनकाउंटर करती हैं ऑन द वे, द डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो इन कठिनाइयों का सामना करते हुए जो है वो चोटी तक पहुंचा है, उन सब से वो बहुत ज़्यादा खुश है कि आखिरकार इतनी डिफ़िकल्टीज़ के बाद मैंने वो अचीव कर लिया है. इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेजिस्ट. ये एक चैलेंज होता है, मीन्स एक रोमांच है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा. आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते. लुकिंग बैक आई फाइंड दैट आई हैव नॉट येट फुल्ली एक्सप्लेन्ड व्हाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट. और मैं पीछे देखता हूँ तो मैं, मुझे रियलाइज होता है कि मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया शब्दों में उस बात को कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा. इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ. ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है कि तुम सांस क्यों लेते हो. किसी से कोई क्वेश्चन किया जाए कि तुम सांस क्यों लेते हो तो इसका आंसर दे पाना बहुत डिफिकल्ट है. या किसी से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई डू यू हेल्प योर नेबर, तुम अपने नेबर्स की हेल्प क्यों करते हो, तो यहाँ पर भी हम अपने आप को हेल्पलेस पाएंगे कि क्या आंसर दे, क्या हो सकता है इसका आंसर. व्हाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करते हो, क्योंकि भाई अच्छा फील होता है, अच्छा काम करना चाहिए. ये है, हम इन चीज़ों को कम्प्लीटली वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. तो इसी तरह से आलूवालिया कहता है कि क्लाइंबिंग को लेकर अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाई डू यू क्लाइंब एवरेस्ट, तो मैं आंसर ही नहीं दे पाऊंगा. मेरे लिए वो ऐसे ही क्वेश्चन है कि जैसे तुम सांस क्यों ले रहे हो, तो वहाँ जैसे हम कंप्लीट एक वर्ड्स के अंदर आंसर नहीं दे सकते हैं, तो मैं भी अपने आप को वहाँ पर स्पीचलेस पाता हूँ. एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब. और मुझे रियलाइज हुआ कि माउंट एवरेस्ट एक फिजिकल क्लाइंब ही नहीं है, उससे भी कहीं बढ़कर है. द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स. इस जब भी कोई इंसान जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ता है तो वो
एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। उसे इस ब्रह्मांड के इतने कि कितना विशाल है ये जो पूरी वर्ल्ड है, ये कितनी बड़ी है, ये दुनिया कितनी बड़ी है, और अपने स्मॉलनेस का, अपने छोटे होने का एहसास होता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सी चीज़ें हैं और कितनी बड़ी हैं, कितनी महान चीज़ें हैं। मीन्स वो इतनी ऊंचाई पर खड़ा है कि वो अपने आप को तुच्छ समझ रहा है, छोटा समझ रहा है। Watch the video and today we discuss only this part. आज सिर्फ इतना ही करेंगे and the previous part of the chapter we will discuss in the next video. Thanks for watching and don't forget like and subscribe. You can write your comments in the comment box. Thank you. Thank you so much.